हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रज्वल पाठक और आप इस समय मेरा यूट्यूब चैनल पाई गुरु देख रहे हैं। लास्ट टू वीडियोज़ में हमने दो अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। ओके, एंड देन मेनली उसमें हमने फोकस किया था इफ एल्स, व्हाइल लूप्स एंड फंक्शंस के बारे में। ओके, रैंडम मॉड्यूल भी हमने देखा था, टाइम मॉड्यूल के बारे में का भी एक फंक्शन हमने देखा था। जो हमारा प्रोजेक्ट 3 है, ये उन दोनों से थोड़ा अलग है। ओके, देखिए, अभी तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उसमें से मैंने कुछ चीज़ें कवर कर ली थी प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 2 में। थर्ड प्रोजेक्ट में हम जो बची चीज़ें हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसमें हम जो हमारा पहले प्रोजेक्ट क्या है, टेक्स्ट एनालाइजर। ओके, बेसिकली ये क्या करेगा, आप इसको एक टेक्स्ट फाइल लेंगे। ओके, एंड ये आपको बताएगा कि पूरे टेक्स्ट फाइल में ए कितनी बार आ रहा है, बी कितनी बार आ रहा है, सी कितनी बार आ रहा है, यानी जितने भी हमारे पास लेटर्स हैं इंग्लिश के वो कितनी बार आ रहे हैं। देन उनका कितना परसेंटेज है, मतलब जैसे सपोज़ कीजिए पूरे फाइल में 100 करेक्टर्स हैं, उसमें 10 जो ए है हमारा 10 बार आ रहा है, तो वो पूरे फाइल का 10% ए ले रहा है। ओके, तो ये हर करेक्टर का परसेंटेज भी बताया जाएगा कि उस पूरे फाइल में वो कितनी बार, कितने परसेंट वो करेक्टर है, यानी ए है, कितने परसेंट बी है। ओके, तो ये सब भी बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किए हैं क्या है, फंक्शंस, ओके, फाइल हैंडलिंग, देन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स एंड एक फॉर लूप्स। ओके, एंड इसी के साथ हमारा सब कुछ जो भी हमने अभी पीछे पढ़ा है वो सब चीज़ें लगभग कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए इसको देखते हैं। एक और बात की, अभी हमने लास्ट वीडियोज़ में जो फंक्शन बनाया था वो बिना आर्ग्यूमेंट वाले फंक्शन थे, इसमें हम आर्ग्यूमेंट वाले फंक्शन के साथ काम करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मेरे फोल्डर में, इस फोल्डर में मैंने यहाँ प्रोजेक्ट 1, 2, 3 तीन पाइथन फाइल्स है जो अभी हमने लास्ट टू वीडियोज़ में कवर किए हैं, एंड ये प्रोजेक्ट 3 मेरा इस ये वाला पाइथन फाइल है इस वीडियो का। ओके, एंड देन हमारे पास यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल है, स्टोरी। ओके, स्टोरी नाम की एक टेक्स्ट फाइल है, इसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो मेनली ये लिखा हुआ है, मुझे क्या करना है, इसमें इसको रीड करना है। ओके, मेनली इसको हमें रीड करना है, एंड देन बताना है कि इसमें कितनी बार ए आ रहा है, कितनी बार बी आ रहा है, कितनी बार सी आ रहा है, ये सब चीज़ें बतानी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको ओपन करना होगा। ओके, ओपन हम कैसे करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं फाइल नेम। ओके, हम यूज़र्स कहेंगे कि वो अपने फाइल का नाम इसमें इनपुट करें, तो इनपुट करते हैं, इनपुट एंटर अ फाइल नेम। ओके, एंड जो भी वो नाम इंटर करेगा वो इस फाइल नेम में चला जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं। तो ओपन कैसे करते हैं, देखिए मैं विद वाला ऑप्शन ले रहा हूँ, चूज़ कर रहा हूँ, विद ओपन फाइल नेम एज एफ। आप वो वैसे भी कर सकते हैं, ओपन फाइल नेम कॉमा रीड मोड, ये सब भी बता सकते हैं आप। ओके, बट मैं विद कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हमें क्लोज करने का टेंशन नहीं रहता, ये अपने आप फाइल्स को क्लोज कर लेता है, तो मैंने इसको ऐसे ओपन किया। ओके, एंड देन हम क्या करेंगे, इसका पूरा कंटेंट रीड करेंगे। ओके, जो भी कंटेंट लिखा है उसको रीड करेंगे। तो ये सिंटेक्स आपको होप सो पता होगा, विद ओपन फाइल नेम एज एफ। ये सिंपली इसको लिखने का क्या मतलब है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू ओपन फाइल नेम कॉमा रीड मोड। ओके, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये विद मेथड जो है ये रीड मोड में ही ओपन करता है, इसलिए मैंने इसमें कहीं रीड मोड डिफाइन नहीं किया। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप रीड मोड लगा सकते हैं, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट रीड मोड में ही ओपन करता है। हालांकि हमें इसमें जब ये वाला चूज़ करते हैं तो इसमें हमें डिफाइन करना होता है कि हम किस मोड में ओपन कर रहे हैं। ओके, तो इसको मैंने डायरेक्टली विद ओपन फाइल नेम एज एफ कर लिया क्योंकि इसमें हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये अपने आप क्लोज कर लेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट कहें या कंटेंट कहें, सपोज ये कंटेंट कहते हैं। ओके, कंटेंट इक्वल टू एफ डॉट रीड, तो हम इसका सारा कंटेंट रीड करेंगे। ओके, एंड अगर मैं प्रिंट करके आपको दिखाऊं तो ये प्रिंट करें अगर कंटेंट को, तो ये पूरा कंटेंट प्रिंट करेगा रीड करने के बाद। देखते हैं इंटर फाइल नेम, फाइल नेम हमारी क्या है, स्टोरी डॉट टी एक्स टी, एक्सटेंशन ज़रूर बताएं। ओके, एंड देखिए कंटेंट रीड करके अभी हमारे सामने यहाँ पे प्रिंट करेगा। देखिए यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया, द देर एक्स एक्सप्रेस यूजली ड्रिव इन टू, ये सेम कंटेंट है जो इस फाइल में है। हाँ, देखते हैं, द देर एक्सप्रेस यूजली ड्रिव इन टू। ओके, तो सेम कंटेंट है, इसने रीड कर लिया। ओके, तो इस तरीके से हम कंटेंट रीड कर सकते हैं। उसको आपको ये समझ में आया होगा। अब इसमें क्या करता हूँ, मुझे सपोज ये पता करना है इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट लेंथ ऑफ कंटेंट अगर कर दें तो हमें इसमें जितने भी लेटर्स हैं वो पता चल जाएंगे कितने लेटर्स हैं। इस लेटर में ध्यान रखिए स्पेसेस स्पेसेस सब काउंट होंगे, तो स्टोरी डॉट टी एक्स टी एंड एंटर करते हैं। तो अभी देखिए मुझे इसमें सारा कंटेंट भी पता चलेगा, एंड 528 करेक्टर्स है पूरी फाइल में, 528 करेक्टर्स हैं जिसमें स्पेसेस भी काउंट है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। कॉमा होगा तो वो भी काउंट होगा, फुल स्टॉप होगा तो वो भी काउंट होगा। ओके, तो ये सब
दो चीज़ हमने करी, कैसे हम रीड करेंगे, कैसे उसका लेंथ पता करेंगे। ओके तो हमें इसी चीज़ इन्हीं चीज़ों का यूज़ करना है, तो चलिए देखते हैं आगे। एक और चीज़ कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं लोकेशन नहीं डाल रहा हूँ। लोकेशन क्यों नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर मेरी ये पाइथन फाइल है उसी पर, उसी जगह पर मेरी टेक्स्ट फाइल भी है। अगर आपकी टेक्स्ट फाइल कहीं और पे होती तो आपको पूरा लोकेशन डालना होता, पूरा लोकेशन आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, बट क्योंकि हमारा उसी फोल्डर में टेक्स्ट फाइल है जहाँ पर हमारी पाइथन फाइल है, इसलिए मुझे पूरा लोकेशन मतलब डालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मैं फाइल का नाम नेम डाल रहा हूँ। ओके एंड ये हो गया। अब होप्स आपको ये कंटेंट रीड करना है एंड लेंथ पता करना आ गया कैसे करते हैं। अब क्या करते हैं, हम एक फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं। फंक्शन का नाम होगा डेफ, सॉरी डेफ करते हैं। ये क्या करेगा, करेक्टर काउंट करेगा, कोई करेक्टर कितनी बार आ रहा है। सपोज ये काउंट कैर फंक्शन का नाम है मेरे। इसमें हमें एक टेक्स्ट पास करना होगा, टेक्स्ट मतलब जिसमें हम चेक करना चाहते हैं। टेक्स्ट हमारा क्या है, ये कंटेंट में हमारा टेक्स्ट अभी मैंने प्रिंट किया था, कंटेंट में जो भी टेक्स्ट है। एंड देन करेक्टर, जो करेक्टर हमें चेक करना है। ओके तो कैर कर दिया। एंड देन हम क्या करते हैं, काउंट इक्वल्स 0। ओके देन हम क्या करेंगे, फॉर आई इन टेक्स्ट, देखिए टेक्स्ट मतलब वही चीज़ है जो कंटेंट में लिखा है, वही हमें पास करना है इस आर्ग्यूमेंट में। टेक्स्ट में कुछ पास करना है, एंड करेक्टर में जैसे ए चेक करना है तो ए पास करेंगे, बी चेक करना है तो बी पास करेंगे, सी चेक करना है तो सी पास करेंगे, इस तरीके से। ओके तो ये हो गया। एंड फॉर आई इन टेक्स्ट इफ आई इज इक्वल टू कैर, एंड देन हमें क्या करना है, काउंट प्लस इक्वल टू 1, एंड फाइनली रिटर्न करना है काउंट को। अभी मैं आपको समझाता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। देखिए टेक्स्ट में कुछ कंटेंट है, अभी फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं, इसको मैं पहले कॉल करके दिखाता हूँ आपको। सपोज़ ये मुझे चेक करना है ए कितनी बार आ रहा है पूरे फाइल में। ओके तो मैं इसको कैसे काउंट करूँगा, काउंट कैर, मुझे दो आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं, टेक्स्ट और कैर। तो सपोज़ ये मेरा टेक्स्ट है ए बी सी डी, ए बी सी डी। ओके ये मेरा कुछ भी एक टेक्स्ट है, रैंडम टेक्स्ट है, इसमें मुझे चेक करना है ए कितनी बार आ रहा है। ओके तो देखिए ए कितनी बार आ रहा है, एक दो तीन, तीन बार ए आ रहा है इस पूरे फाइल में। तो मुझे काउंट जो है यही प्रिंट करूँ अगर मैं काउंट को। ओके तो देखिए क्या करेगा, टेक्स्ट में क्या इस समय स्टोर हो गया, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ओके इस टेक्स्ट में जाएगा, कैर में क्या जाएगा, ए जाएगा। तो ओके फॉर आई इन टेक्स्ट अगर मैं करूँ तो आई में हमें पता है एक बार ए आएगा, फिर एक बार बी आएगा, फिर एक बार सी आएगा, फिर एक बार डी आएगा, फिर एक बार ए आएगा, फिर एक बार ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। ओके देन हमने चेक किया इफ आई इज इक्वल टू कैर, यानी आई में जो वैल्यू है अगर वो ए के बराबर है, यानी देखिए पहला ए इज इक्वल टू ए है तो काउंट में 1 ऐड हो जाएगा। अभी देखिए काउंट डिफॉल्ट 0 है तो काउंट में 1 ऐड हो जाएगा। देन काउंट अगर बी होगा तो बी इज इक्वल टू ए फॉल्स है तो ये ऐड नहीं होगा, फिर सी इज इक्वल टू ए फॉल्स है ऐड नहीं होगा, डी इज इक्वल टू ए फॉल्स है नहीं ऐड होगा, फिर ये ए होगा तो इफ़ ए इज इक्वल टू ए तो ये ट्रू है तो काउंट में एक और ऐड हो जाएगा। तो 1 पहले था, अब 2 हो जाएगा, फिर अगेन यहाँ पर 3 हो जाएगा, इस तरीके से। ओके तो अगर मैं प्रिंट करूँ तो आप देखेंगे एंटर फाइल नेम, इसको तो खैर हमें स्टोरी डॉट टी एक्स टी, देखिए तो पूरे इसमें कितनी बार 3 आ रहा है, सॉरी कितनी बार ए आ रहा है, 3 बार ए आ रहा है, तो इसने 3 प्रिंट कर दिया। ओके इस तरीके से हम ये पता कर रहे हैं कि हमें कितनी बार टेक्स्ट में ये आ रहा है। ओके अब हम देखिए परसेंटेज कैसे पता करते हैं। सपोज़ कीजिए कि अभी मैं क्या करता हूँ, इसको पहले कमेंट कर देता हूँ। ओके ताकि आपको मैं अभी समझा सकूँ, अभी मैं हम पूरे प्रोग्राम करने वाले क्या है। ओके एंड देन काउंट कर, ओके मुझे पता चला है एक पूरे फाइल इस टेक्स्ट में कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। मुझे परसेंटेज पता करना है, तो परसेंटेज कैसे पता करते हैं, देखिए कितनी बार ए आ रहा है तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, देखिए ए को इस ए में स्टोर है कितनी बार ए आ रहा है, 3। ओके फिर टोटल कंटेंट से हमें डिवाइड करना होता है, तो लेन ऑफ इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर दूँ ताकि हमें थोड़ा ईजी पड़े। ओके एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाते हैं, इसमें ये पेस्ट कर देते हैं। ओके एंड यहाँ पर डायरेक्टली टेक्स्ट पास कर देते हैं टेक्स्ट वेरिएबल को, ताकि मैं आपको समझा सकूँ हम कर क्या रहे हैं। ओके लेन ऑफ टेक्स्ट, ओके देखिए कितनी बार ए है डिवाइडेड बाई टोटल कितने लेटर्स है इंटू 100। ओके यही चीज़ हमें करनी होती है परसेंटेज फाइंड करने के लिए, एंड देन हम परसेंटेज यहाँ फाइंड कर सकते हैं, सॉरी प्रिंट परसेंटेज। ओके एंड इस प्रोग्राम को अगर मैं सॉरी इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूँ, देखिए 3 बार आ रहा है। ओके एंड टोटल ये कितना परसेंट ले रहा है पूरे टेक्स्ट का, 33.33% है ये पूरे टेक्स्ट का। ओके तो अगर मुझे बी चेक करना है, बी कितनी बार आ रहा है तो इसको भी देख, सॉरी उप्स, अगर मुझे बी चेक करना है तो मैं बी के लिए भी चेक कर सकता हूँ। देखिए बी इस पूरे में 2 बार आ रहा है, एक बार बी यहाँ आ रहा है, एक बार बी आ रहा है, कितना परसेंटेज ले रहा है, 22.22। ओके सिमिलरली सपोज मुझे सी चेक करना है, या एक और वेरिएबल डाल देते हैं जो सिर्फ एक बार आ रहा है,
तो अगर सपोज कि मुझे ई चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ ई सिंपली पास करेंगे एंड ई एक बार आ रहा है कितना परसेंट ले रहा है, 10% ले रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये हमें बता रहा है कोई भी करेक्टर पूरे टेक्स्ट का कितना परसेंट ले रहा है। ओके, तो होप सो ये आपको समझ आ गया होगा, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको दिखाया है। ओके, डन। हम क्या करते हैं, इतना करने के बाद हमें क्या चेक करना है, सारे लेटर्स चेक करने हैं ना। अभी हम एक एक करके चेक कर रहे हैं, बट एक एक करके हमें चेक नहीं करना, हमें ए बी सी डी ई एफ जी एच सब कुछ पता करना है, सारे के परसेंटेज पता करने हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो एक फॉर लूप लगाते हैं। उप्स, यहाँ पे नहीं लगाते, इस फाइल में, सॉरी। ओके, आते हैं यहाँ पे, फॉर आई इन ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। ओके, डन। ओके, देखिए हमें आई में पता है, आई में पहले ए होगा, फिर आई में बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा, फिर ई होगा, एफ होगा, इस तरीके से। ओके, तो हमें क्या करना है, पर्स एक वेरिएबल बनाते हैं, परसेंटेज, ये बेसिकली परसेंटेज काउंट करेगा। अब हम फंक्शन को कॉल करने वाले हैं काउंट केयर को। देखिए वहाँ पर हमने एक वेरिएबल स्टोर कर रखा था, यहाँ हम वेरिएबल स्टोर नहीं कर रहे हैं, यहाँ हमें दो चीज़ें पास करनी है। ओके, तो दो चीज़ें क्या, टेक्स्ट पास करना है और कैरेक्टर पास करना है। तो टेक्स्ट हमारा किस में स्टोर है, कंटेंट वाले वेरिएबल में स्टोर है, तो हम कंटेंट डायरेक्टली पास करते हैं। एंड देन कैरेक्टर कौन सा चेक करना है, तो हमें आई चेक करना है। आई में ध्यान रखिए, पहले ए होगा, देन बी होगा, देन सी होगा, देन डी होगा, तो मैं यहाँ डायरेक्टली आई पास कर देता हूँ। ओके, काउंट कैर कॉमा आई बाई लेन ऑफ कंटेंट, ओके, इन टू 100। सेम चीज़ अभी हमने ऊपर की थी वही किया है। बेसिकली वहाँ हमने एक करेक्टर के लिए सिर्फ चेक कर रहे थे, फिर लेंथ ऑफ टेक्स्ट कर रहे थे इन 200। यहाँ पर हमें हर चीज़ के लिए करना है। तो कंटेंट हम टेक्स्ट हमारा कंटेंट वेरिएबल में स्टोर है, कौन से किसके लिए चेक करना है, कैरेक्टर के लिए आई, आई में ए बी सी डी ई एफ एक एक करके आता रहेगा, देन लेंथ ऑफ कंटेंट इन 200। ओके, एंड देन हमें प्रिंट क्या करना है, एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बनाते हैं। ओके, तो इसमें हम क्या पास करेंगे, आई एंड देन पर्स, एंड देन हमारा प्रोग्राम डन हो गया है पूरा। इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, इंटर फाइल नेम स्टोरी डॉट टी। ओके, एंड अभी ये मुझे पूरा कंटेंट रीड करके बताएगा कौन सा इसमें लेटर कितनी बार आ रहा है। ठीक है, ये पूरे फाइल का 8.14% है, ये 1.13% है, 1. सी 1.32% है, डी 2.65% है। ओके, तो इस तरीके से ये बता रहा है। अगर आप चाहें तो ये भी पता कर सकते हैं कितनी लेंथ है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली एक और चीज़ कॉल करनी है, काउंट केयर, यहाँ पे कॉल करते हैं कंटेंट कॉमा आई, या इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ मैं पूरे प्रोग्राम को। अभी सपोज ये हमें ये सिर्फ लेटर बता रहा है, कौन सा लेटर चेक कर रहा है, कितना परसेंटेज हो के, तो मुझे ये भी पता करना है वो कितनी बार आ रहा है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं कैर नाम का। ओके, कैर, एंड इसमें हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं काउंट कैर कंटेंट कॉमा आई, एंड इसके यहाँ पे हम सिंपली कैर पेस्ट कर दे, कैर ले देते हैं। ओके ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैर, ओके, एंड कैर डैश परसेंटेज, एंड इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं एंड हमें बताएगा कि कितनी बार आ रहा है एंड उसका परसेंटेज कितना है। ओके, तो सब कुछ बताएगा, एंड रन करते हैं। ओके, होने दीजिए, अब देखिए सही है। देखिए ए पूरे फाइल में 43 टाइम्स आ रहा है, इसका टोटल परसेंटेज 8.14 है पूरे फाइल का। बी 6 टाइम्स आ रहा है, ये 1.13% है। सी 7 टाइम्स आ रहा है, ये 1.32% है। ओके, इस तरीके से आप चाहे तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर देखिए ये काफ़ी लंबी वैल्यू बता रहा है, अगर इसको आपको राउंड करना है तो आप 2f लिख दीजिए। ये मॉडिफिकेशन के अंदर, यहाँ देखिए फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अंदर हमने ये कॉलन लगाया डॉट 2f। ओके, फॉर्मेटेड फ्लोट के बारे में लोग पढ़ चुके हैं, उसी का हम यूज़ कर रहे हैं। एंड इस प्रोग्राम को मैं वापस रन करता हूँ, इस बार हमारा सब कुछ सही आएगा, एंड डन। तो देखते हैं, अब देखिए सही है। तो ए 43 टाइम्स आ रहा है, इसका परसेंटेज 8.14 है। बी 6 टाइम्स आ रहा है, इसका परसेंटेज 1.414 है। सी 7 टाइम्स है, इसका परसेंटेज 1.233 है। डी 14 टाइम्स आ रहा है, इसका परसेंटेज 2.65 है। ई 38 टाइम्स आ रहा है, इसका परसेंटेज 7.20 आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा टेक्स्ट को एनालाइज कर रहा है। यही हमारा सिंपल सा प्रोजेक्ट था। तो दोस्तों आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आ गया होगा। बेसिकली इसमें हमने डिस्कस किया फाइल्स के साथ काम कैसे करते हैं। देखिए मैंने इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने इसको विद स्टेटमेंट के साथ ओपन किया। ओके, तो हमें क्लोज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ा। देन फंक्शंस के बारे में, आर्गुमेंट वाले फंक्शंस के बारे में हमने देखा। ओके, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के बारे में हमने पढ़ा, फॉर लूप्स के बारे में पढ़ा। ओके, तो ये कुछ बेसिक तीन आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट थे, सिंपल थे।
आपको और एडवांस प्रोजेक्ट्स पढ़ने हैं या करने हैं तो मेरा प्रोजेक्ट वाला प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। एंड आप ट्राई कीजिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने प्रोजेक्ट्स करें, तभी जाकर आपको पाइथन की अच्छी नॉलेज होगी, अच्छे से आप उसे अप्लाई कर पाएंगे। ओके तो ट्राई कीजिए कि अगर आपको कहीं और प्रोजेक्ट मिलता है तो उसे ज़रूर सॉल्व करें। ओके तो होप्सो आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और कि आपने पाइथन का लगभग सब कुछ ख़त्म कर लिया, जितनी बेसिक चीज़ें थी सिर्फ क्लासेज हैं एंड ओके क्लासेज ही हैं, बट उनको मैं इस पाई बेसिक सीरीज़ में नहीं पढ़ाऊंगा। इस वीडियो के जस्ट बाद हम पाइथोनिक नेस्ट की बात करेंगे। पाइथोनिक नेस्ट बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कि हमें पाइथन को किस तरीके से इफेक्टिवली यूज़ करना चाहिए, तो हम उसको पढ़ेंगे। क्लासेस के लिए हम एक अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे, उसमें मैं डिटेल में क्लासेज में बात करूँगा, क्योंकि क्लासेज को सिर्फ दो तीन वीडियो या चार वीडियो में ख़त्म करना इम्पॉसिबल है, बच्चों को समझ नहीं आता इसमें क्या है। ओके तो उसके लिए हम एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे। ओके तो ये था फाइल्स के ऊपर पाइथन से रिलेटेड 3 प्रोजेक्ट। होप सो आपको ये समझ आ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगर इस चैनल नए हैं तो इस चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट सॉरी ओके थैंक यू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।